एमएस एक्सेल 2016 के इस अध्याय में आप सीखेंगे होम टैब में एडिटिंग ब्लॉक के तहत फाइंड और रिप्लेस ऑप्शंस का उपयोग करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें और नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फाइल में किसी पर्टिकुलर वैल्यू या टेक्स्ट को ढूंढना चाहते हैं तो उसके लिए होम टैब के एडिटिंग ब्लॉक में फाइंड एंड सेलेक्ट ऑप्शन में जाकर फाइंड पर क्लिक करें। अब इस डायलॉग बॉक्स में जो वैल्यू या टेक्स्ट आप ढूंढना चाहते हैं वो टाइप करें। मान लीजिए हम एक नाम ढूंढना चाहते हैं, नीलेश, तो फाइंड व्हाट में हमने टाइप किया नीलेश। अब अगर आप इस पूरे डेटा में जहां पर नीलेश आ रहा है वो एक एक करके ढूंढना चाहते हैं तो फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। सबसे पहले जहां पर नीलेश लिखा हुआ है वो सेल सिलेक्ट हो गया है। अब हम फिर से फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो अगली जगह जहां पर नीलेश लिखा हुआ है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से एक एक करके आप जहां जहां नीलेश लिखा हुआ है वो ढूंढ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि पूरे डेटा में जहां जहां भी नीलेश लिखा हुआ है वो आपको एक साथ पता चल जाए तो उसके लिए फाइंड ऑल पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि चार जगह पर नीलेश है और वो चार जगह कौन कौन सी हैं उनकी डिटेल्स यहां पर आ गई है। अब मान लीजिए हम सबसे लास्ट में चौथे नंबर पर नीलेश जहां लिखा हुआ है वहां जाना चाहते हैं तो सीधे हम यहां क्लिक करेंगे। ये देखिए, ये A17 सेल में नीलेश लिखा हुआ है वो अपने आप सिलेक्ट हो गया। यहां से हम इसे क्लोज कर देंगे। यदि आप फाइल में किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट या फिगर की जगह कोई और टेक्स्ट या फिगर चाहते हैं तो उसके लिए होम टैब के एडिटिंग ब्लॉक में फाइंड एंड सिलेक्ट ऑप्शन में फाइंड के नीचे दिख रहे रिप्लेस ऑप्शन पर क्लिक करें। अब ये जो डायलॉग बॉक्स आया है उसमें फाइंड व्हाट में हम वो पर्टिकुलर टेक्स्ट या वैल्यू लिखेंगे जो हम चेंज करना चाहते हैं। हमको नीलेश नाम जो लिखा हुआ है उसको रिप्लेस करना है तो फाइंड व्हाट में हमने नीलेश लिख रखा है। अब उसे किस टेक्स्ट या वैल्यू से आपको रिप्लेस करना है वो रिप्लेस विथ वाले बॉक्स में लिख देंगे। हम नीलेश को महेश नाम से रिप्लेस करना चाहते हैं तो हमने रिप्लेस विद में टाइप किया महेश। अब यहां पर नीचे रिप्लेस करने के लिए दो ऑप्शंस हैं, रिप्लेस और रिप्लेस ऑल। सबसे पहले हम रिप्लेस ऑप्शन का यूज देखते हैं। अगर हम रिप्लेस पर क्लिक करेंगे तो ये एक एक करके जहां जहां नीलेश लिखा होगा वहां पर आपको ले जाएगा। रिप्लेस ऑप्शन का यूज करते समय एक बात का ध्यान रखें कि पहली बार जब आप टेक्स्ट या फिगर को रिप्लेस करना चाहते हैं तो वो टेक्स्ट या फिगर जिस सेल में हो वो सेल सिलेक्टेड होना चाहिए। ये हमने रिप्लेस पर क्लिक किया तो ये देखिए जहां पर पहली बार नीलेश वर्ड आया था वहां पर वो रिप्लेस होकर महेश हो गया है। और अब अगली जगह जहां नीलेश है वहां पर वो सेल सिलेक्ट हो गया है। अब अगर हम चाहते हैं इसको भी रिप्लेस करना तो हम वापस रिप्लेस पर क्लिक करेंगे। और अगर हम इसको रिप्लेस करना नहीं चाहते, अगली जगह जहां नीलेश लिखा हुआ है उसको ढूंढना चाहते हैं तो हम फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब अगली जगह जहां नीलेश लिखा है वो सेल सिलेक्ट हो गया और इसको अगर हमें रिप्लेस करना है तो हम वापस रिप्लेस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए वो रिप्लेस हो गया है। तो इस तरह से अगर आपको एक एक जगह पर कोई टेक्स्ट या वैल्यू ढूंढ करके रिप्लेस करनी हो तो हम केवल रिप्लेस ऑप्शन का उपयोग करेंगे। और अगर हम एक साथ सारी ही जगह पर वो वैल्यू या टेक्स्ट रिप्लेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम रिप्लेस ऑल ऑप्शन का उपयोग करेंगे। ये देखिए, इस पर क्लिक करते ही जितनी भी जगह उसको नीलेश लिखा हुआ मिला वहां पर उसने उसे महेश से रिप्लेस कर दिया है और उसका ये मैसेज आ गया है। ओके कर दें और अब इस डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर दें।
MS Excel 2016 के इस अध्याय में आपने सीखा होम टैब में एडिटिंग ब्लॉक के तहत फाइंड और रिप्लेस ऑप्शंस का उपयोग करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें और नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।